कुरुक्षेत्र जिले में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजते ही कुरुक्षेत्र जिले के मतदाता अपने नजदीकी पोलिंग स्टेशनों पर वोट डालने के लिए पहुंचने शुरू हो गए। शहरों से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में वोटरों में वोट डालने को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। पिंक बूथ पर वोट डालने को लेकर भी महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। महिला, युवा, बुजुर्ग वोटर भी उत्साहपूर्वक वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि आज जिले में कई जगह ईवीएम खराब होने के कारण मतदान बाधित होने के मामले भी सामने आए। इनमें पेहोबा में गांधीनगर पर बूथ नंबर 148 में तकनीकी खराबी के चलते ईवीएम में दिक्कत आई। आपको बता दें कि आज कुरुक्षेत्र जिले में थानेसर, पेहोबा, लाडवा, शाहबाद यानी 4 विधानसभा सीटों पर 7,70,356 मतदाता वोट कर 4 विधायकों का चयन करेंगे। लाडवा सीट पर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी अपना वोट डाला और पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरियाणा में तीसरी बार भारी बहुमत से भाजपा की सरकार बनाने का दावा किया। वहीं थानेसर से भाजपा प्रत्याशी सुभाष सुधा ने महाराणा प्रताप पब्लिक स्कूल सेक्टर 7 में अपनी धर्मपत्नी उमा सुधा के साथ वोट किया। कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद नवीन जिंदल घोड़े पर सवार होकर मतदान केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने मोहन नगर स्थित गीता निकेतन विद्या मंदिर में अपना वोट डाला। इसी प्रकार गुजरात के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी 1100 किलोमीटर की दूरी तय करके गुजरात से कुरुक्षेत्र अपना वोट करने पहुंचे। कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने भी सलारपुर रोड पर स्थित गीता निकेतन आवासीय विद्यालय में बने मतदान केंद्र में अपने परिवार सहित वोट डाला। इसी प्रकार नारायणगढ़ से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे डॉक्टर पवन सैनी ने सुबह अपना वोट बीड पिपली के मतदान केंद्र में डालकर वे नारायणगढ़ के लिए रवाना हुए। इसी प्रकार पेहोवा में भाजपा प्रत्याशी डीडी शर्मा ने सरस्वती मंदिर बड़ा शिवालय शिवजी मंदिर में माथा टेक कर जीत की कामना की। वहीं पेहोवा में ही कांग्रेस प्रत्याशी मंदीप चड्ढा ने पेहोवा के अमृतसर फार्म के बूथ नंबर 150 पर मतदान किया। शाहबाद में भी भाजपा प्रत्याशी सुभाष कलसाणा और कांग्रेस प्रत्याशी रामकरण काला ने अपना मतदान किया। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में 4 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई। मतदान प्रक्रिया शाम 6 बजे तक चलेगी। आपको बता दें कि जिले की 4 विधानसभा सीटों से 3 बड़े चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं। लाडवा विधानसभा सीट से जहां भाजपा प्रत्याशी एवं कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, वहीं थानेसर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री सुभाष सुधा और थानेसर सीट से ही कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा चुनाव लड़ रहे हैं। थानेसर विधानसभा सीट पर भाजपा के उम्मीदवार सुभाष सुधा और कांग्रेस प्रत्याशी अशोक अरोड़ा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस सीट पर 2,18,000 मतदाता अपने नए विधायक का चुनाव करेंगे। इसी प्रकार शाहबाद विधानसभा सीट पर भी 1,71,070 मतदाताओं में से 89,313 पुरुष और 81,755 महिलाएं 2/3 जेंडर मतदान करेंगे। इस विधानसभा में भाजपा के सुभाष कलसाणा और कांग्रेस उम्मीदवार रामकरण काला के बीच मुकाबला है। लाडवा विधानसभा पर भी 1,95,916 मतदाताओं में 1,01,244 पुरुष, 94,670 महिलाएं और 1/3 जेंडर मतदाता है। इस सीट पर भी मुख्य रूप से भाजपा के उम्मीदवार नायब सैनी, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मेवा सिंह, इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार सपना बड़सामी, आजाद उम्मीदवार संदीप गर्ग, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जोगा सिंह, आजाद उम्मीदवार विक्रम चिम्मा के बीच में मुकाबला देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि आज जारी चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए प्रशासन द्वारा पूरे जिले में 67 सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा 24 जोनल मजिस्ट्रेट, 24 फ्लाइंग स्क्वाड टीम, 24 स्टैटिक सर्विलांस टीम और 4 वीडियो सर्विलांस टीम नियुक्त की गई है। इसके अलावा चुनाव व्यय निगरानी कमेटी का भी गठन किया गया है। हर 5 वर्ष के बाद हमारा ये खुशियों भरा एक पर्व आता है और इस पर्व को बड़ी हम खुशियां मनाना चाहिए। आज मैं कहूँगा क्षेत्र की जनता से, थानेसर विधानसभा की जनता से अपील करूँगा कि अपना मतदान खुशियों भरा आप मतदान दें और ताकि ये जो 5 वर्ष के बाद दिन आता है इसको हमें पूरा प्रयोग करना चाहिए। मैं क्षेत्र की जनता से बार बार रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना मतदान जो करें, पहले मतदान फिर जनपान। तो जो पहले आज पहली वोट डाल रहे हैं युवा है, उनके लिए क्या कहें? देखिए, मैं युवाओं से भी रिक्वेस्ट करूँगा, आज देश का युवा जो हमारी नींव है और युवा जो डिसीजन लेता है बहुत अच्छा डिसीजन लेता है और देश के प्रधानमंत्री ने भी हमेशा कहा है युवाओं को हमेशा अग्रसर करने का हमेशा उन्होंने कर रहा है। तो आज मैं युवाओं से अपील करूँगा वो अपनी वोट का ध्रुव प्रयोग करें और युवा ही देश का निर्माण करेगा। ठीक है, देखिए पूरा परिवार इकट्ठा वोट डालने के बाद
सर मतदान कर दिया आपने, क्या कहेंगे, क्या माहौल लगता है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए प्रजातंत्र का त्यौहार है चुनाव, और बहुत कुर्बानियां देकर देश आज़ाद हुआ था, और देश आज़ादी के बाद बड़ी चुनौती थी देश के सामने कि अलग अलग भाषाओं का देश, अलग अलग जातियों का देश देश कैसे देगा। परंतु बाबा साहब ने संविधान के अंदर सबको वोट का अधिकार देकर इस देश में बराबरी का दर्जा दिया, और ये हमें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। वोट का इस्तेमाल हमें करके आने वाली सरकार को चुनना है, इसलिए अपने विवेक से सभी मत पोलिंग ऊपर जा रहे हैं। रुझान क्या लगता है, रुझान क्या लगता है लोगों से? देखिए मैं सभी धनेश्वर वासियों से आपके माध्यम से अपील करता हूं कि वोट का इस्तेमाल जो शांतिपूर्ण मतदान, शांतिपूर्ण मतदान हो, इसके लिए विविध प्रदेश की जनता से भी, धनेश्वर की जनता से भी। थैंक यू सर। ये 100 करोड़ से मतदान करने की अपील की है कुरुक्षेत्र की जनता से भी। मैं तो यही अपील करना चाहूँगी कि आप विकास की ओर देखकर वोट डालें, और वैसे भी जब भी मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे थानेश्वर की हल्के हल्का वासी जब भी वोट करेंगे तो वो एक बार विकास की ओर ज़रूर देखेंगे और उसी तरह से मतदान करेंगे, एक मतदान जरूर करने के लिए जाएं। और युवा पीढ़ी तो उसको तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही समझदार है, और देखते हुए विकास को देखते हुए वोट डालें। थैंक यू। क्या नाम है मैम आपका? डॉक्टर। अच्छा मैम, कैसे इंतजाम है जिला प्रशासन द्वारा? बहुत अच्छा इंतजाम है, बहुत अच्छा है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है। मैम मतदाताओं के लिए इस बार कॉफ़ी का और भी कई अरेंजमेंट्स किए गए हैं रिफ्रेशमेंट के, क्या कहना चाहेंगे? हाँ बहुत अच्छा है सर, क्योंकि बहुत गर्मी में बहुत दूर से लोग आते हैं तो कई बार बहुत ज़्यादा वेटिंग होती है, तो जो स्पेशली बुजुर्ग होते हैं, लेडीज़ होती है, उनको दिक्कत होती है, तो ये अरेंजमेंट है तो बहुत अच्छा है। प्रशासन की ओर से बहुत अच्छा किया गया है कि लोगों को कोई दिक्कत ना हो, तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। क्या नाम है मैम आपका? मीरा। मीरा जी, मैडम जिला प्रशासन द्वारा कैसे इंतज़ाम है यहाँ? बहुत अच्छे इंतज़ाम है यहाँ पर जी सारे, वोट भी मैंने पहली बार किया आज। अच्छा पहली बार डाला है आपने, चलिए। और पानी की कॉफ़ी की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे इंतज़ाम है, सब कुछ बहुत अच्छा कर रखे हैं। थैंक यू। हाँ जी सर, क्या नाम है सर आपका? सूर्य प्रकाश भारद्वाज जी, एडवोकेट जी। जिला प्रशासन द्वारा सर कैसे इंतजाम किए गए हैं यहाँ? बहुत अच्छे इंतजाम है, सभी जो वोटर्स हैं साइलेंट हैं, कोई ऐसा रूमर नहीं है, कोई भी गलत अफवाह नहीं है, कोई गलत वोट भी अभी तक तो आई नहीं हमारी नॉलेज में, और बड़ा स्मूथली काम चला हुआ है। पानी की और कॉफ़ी की सुविधा कैसी लगी आपको? भी है प्रशासन का हर एक जो है इंतजाम है, कोई भी ऐसा नहीं है, कोई बार्गेनिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई करप्शन नहीं है। मैंने यहाँ पर बिल्कुल जो है पढ़ा लिखा जो है लाल फिक्टी जो है बराबर जो है समतल में समत्व भाग से सभी लोग जो है अच्छी कोऑपरेशन है और अच्छी वोट डाली है सभी ने सब। क्या नाम है मैम आपका? संतोष शर्मा। संतोष शर्मा, शर्मा जी, जी। संतोष जी आप वोट डाल कर आई हैं, कैसा इंतज़ाम है जिला प्रशासन द्वारा? नहीं बहुत अच्छा है जी। पानी की और कॉफ़ी की भी सुविधा आपके लिए की गई है, कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको? नहीं नहीं बहुत अच्छा है। कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं नहीं बहुत बढ़िया कर रखा है। मेरा नाम नरेश कुमार है और मैं 145 नंबर बूथ से आज वोट डालने के लिए आया हूँ जी, और अपनी सरकार बनाने के लिए, मेरी अपनी सरकार बनाने के लिए मैं वोट डालने आया हूँ। सर यहाँ जिला प्रशासन द्वारा कैसे इंतजाम किए गए? सर बहुत बढ़िया इंतजाम है, कोई देर नहीं लगती है, सिर्फ घर से निकलने की देर है, और मेरी अपील है सभी वोटर से कि 100% वोटिंग करें, जो भी घर में है तो उनको ज़रूर साथ लेके आए, एक बार में नहीं आ सकते तो जो वोट डाल चुका है वो दोबारा जाए, उनको लेके आए। आपने कॉफ़ी का भी जायजा लिया सर? हाँ मैंने, कॉफ़ी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है सर, और एक नया इंतजाम है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद, किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं है, कोई इनकन्वीनियंस नहीं है, और बहुत ही अच्छे तरीके से, स्मूथ तरीके से, बहुत ही पीसफुल तरीके से जो लोग अंदर वोट डलवा रहे हैं वो भी, जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो भी, और सरकार के इंतजाम बहुत काबिल तारीफ़ है, बहुत बहुत धन्यवाद।